औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर एक थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीथमपुर की 20 वर्षीय युवती अपनी सहेली और सहेली के मंगेतर के साथ मंदिर दर्शन के लिए गई थी। दर्शन के बाद मंदिर के पास पहाड़ी पर बैठी हुई थी। उसी दौरान आरोपी शंकर बंजारा आया और बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो, और पीड़िता को डरा धमकाकर बाइक पर जबरन बिठाकर ले गया और साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटना किसी को अगर बताया तो जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पर जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने आरोपी शंकर बंजारे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर दिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ जारी है। कल एक बच्ची आई थी पीड़िता अपने दुष्कर्म की रिपोर्ट को लेकर, तो जब वो एक अपनी सहेली के साथ कहीं गई थी तारपुरा तरफ, और उसकी सहेली का मंगेतर के साथ में बैठी थी, तो एक व्यक्ति ने उसको बहला फुसला के ले लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह से अपराध दर्ज करके और आरोपी को गिरफ्तार किया है और पीड़िता के अभी जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी की गई। पीथमपुर के सेक्टर एक थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती अपनी सहेली के साथ मंदिर दर्शन के लिए गई थी। उसी दौरान आरोपी ने डरा धमका कर युवती को बाइक पर बैठा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। अगर घटना की जानकारी किसी को बताई तो युवती अपने परिजनों के साथ थाने पर पहुंची और मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। पीथमपुर से भारती न्यूज के लिए कामिल मेहर। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।